सत श्री अकाल सबनों, मेरे व्लॉगिंग चैनल पर तुहाडा सारयां दा स्वागत है, जहाँ पे मैं आज आपको श्री हेमकुंड साहिब जी के गुरुद्वारे की यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पे स्थित गुरुद्वारा साहिब जी है। एंड ये वीडियो देखने के बाद मैं श्योर हूँ कि आपको जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए घर से लेकर हेमकुंड साहिब यात्रा तक जाने के लिए, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो बिना किसी भी देरी के चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सो हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा उत्तराखंड के शहर ऋषिकेश में, जहाँ पे आपको ऋषिकेश का हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट गुरुद्वारा मिलेगा। एंड यहाँ पे पहुँच के आप एक दिन रुक सकते हैं एंड यहाँ पे आपकी लंगर और चाय के साथ स्वागत किया जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा रूम्स अवेलेबल हैं। एंड अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो आपको एसी रूम सिर्फ 1100 रुपए में मिल जाएगा। एंड इस रूम में 5 लोग आराम से सो सकते हैं। एंड वॉशरूम भी बहुत ज्यादा क्लीन है। एंड इसके अलावा आपको नॉन एसी रूम्स भी मिल जाएंगे, जो कि इसके आधे प्राइस में है। एंड अगर आप फ्री रहना चाहते हैं तो आपको गुरुद्वारे के हॉल्स में रहना पड़ेगा। एंड ये गुरुद्वारा बहुत ही ज्यादा बड़ा है एंड रूम्स की कोई भी तंगी आपको यहाँ पे देखने को नहीं आएगी। आपको जस्ट अपना आधार कार्ड देना है एंड एवरीथिंग इज डन। एंड अगर आप यात्रा करने के लिए आए हैं तो प्लीज अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर आना, क्योंकि यात्रा के दिनों के दौरान आपके पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एंड यात्रा के दौरान गुरुद्वारे में बहुत भीड़ भी होती है, पर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है। आप लोग इस गुरुद्वारे में आकर खुद 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन इस विंडो से करवा सकते हैं। और अगर आप इस सुंदर गुरुद्वारे को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं एंड इसके बारे में वेल डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आपको मेरी ऋषिकेश गुरुद्वारे वाली वीडियो देखनी होगी, जिसका लिंक करंटली ऊपर फ्लैश हो रहा है एंड मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो एक दिन यहाँ रहने के बाद आपको अगले दिन सुबह सुबह निकलना होगा गोविंद घाट की ओर, जो कि ऋषिकेश से 275 किलोमीटर दूर है। एंड मैं सलाह दूंगा कि जितनी सुबह हो सके आप उतनी जल्दी निकले, ना जो आप टाइम पर वहां पर पहुंच पाए। एंड गोविंद धाम पहुंच के आपको मिलेगा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट का दूसरा गुरुद्वारा, जहाँ पे आप अपनी दूसरी रात रुक सकते हैं। एंड गुरुद्वारे में एंटर होते ही राइट साइड में आपको सीढ़ियों से ऊपर जाकर मिलेगा दरबार साहब, जहाँ पर आप माथा टेक सकते हैं। एंड सीढ़ियों के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा जोड़ा घर एंड उसी के आगे जाकर लंगर हॉल। एंड यहाँ का लंगर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और घर जैसा फील होता है। एंड यहाँ पे भी आपको गुरुद्वारे में रूम्स भी मिल जाएंगे, बट गुरुद्वारे में बहुत ज्यादा रूम अवेलेबल नहीं है तो आपको गुरुद्वारे के हॉल्स में भी सोना पड़ सकता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे होटल्स भी आपको मिल जाएंगे एंड उन रूम्स के प्राइस पर नाइट 2000 से लेकर 4000 तक होते हैं। एंड यहाँ तक बात है पार्किंग की, तो यहाँ पे पार्किंग के लिए भी बहुत ज्यादा स्पेस है, जिसको कि प्राइवेट कंपनीज ने लीज पे लिया हुआ है। तो अगर आप कार में आते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अपनी कार को पार्क कर सकते हैं सेफली। एंड कार पार्किंग का प्राइस है 600 रुपीज। एंड आप चाहे अपनी कार को 3 दिन पार्क रखें या फिर वहाँ पर 1 हफ्ते तक पार्क रखें, प्राइस सेम ही रहेगा 600 रुपीज। एंड आपको ये स्लिप संभाल कर रखनी होगी सेफली। एंड इसके लिए आप एक पिक्चर खींच के भी अपने मोबाइल में रख सकते हैं, क्योंकि इसी स्लिप के बेस पे आपको अपनी कार वापस ले जाएगी दी जाएगी। एंड अगर आप बाइक्स पे आए हैं तो बाइक्स भी गुरुद्वारे के सामने बाहर ही पार्क हो जाती हैं, सभी बाइक्स वाले वहीं पर अपनी बाइक्स पार्क करते हैं। और यहाँ पे आपको मार्केट भी मिल जाएगी, जो कि गुरुद्वारे के सामने से ही शुरू होती है एंड वहाँ से आप पानी एंड उसके अलावा जरूरत का सारा सामान खरीद पाएंगे। एंड मैंने यहाँ से एक रेनकोट खरीदा था और रेनकोट 50 रुपए से लेकर 350 रुपए तक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और मैं आपको यही राय दूंगा कि आप 350 वाला रेनकोट ही खरीदे, क्योंकि वो बहुत बढ़िया होता है। एंड अगर आप 50 रुपए वाला रेनकोट खरीदते हैं तो वो कभी भी फट सकता है एंड वो फटता भी है। एंड इसके अलावा आप यहाँ से गर्म जैकेट्स एंड लॉक्स भी रेंट पे ले सकते हैं। एंड इसके बाद जब नेक्स्ट डे आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो आपको इस ब्रिज से होते हुए जाना पड़ेगा पुलना गांव की ओर, जो कि गोविंद घाट से 4 किलोमीटर की दूरी पे है एंड वहीं से आपकी हेमकुंड की यात्रा शुरू होगी। और ज्यादातर लोग पुलना तक टैक्सी कर जाते हैं, जिसमें टैक्सी वाले 50 रुपए पर पर्सन चार्ज करते हैं। एंड टैक्सी तक पहुंचने के लिए आपको गुरुद्वारे के पास ही ब्रिज के नीचे बनी इन सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा एंड इन सीढ़ियों को चढ़ते ही आपको सामने दिखेगी बहुत सारी टैक्सी कार्स एंड उन कार्स में बैठ के आप पुलना गांव तक पहुंच जाएंगे। एंड वहां से आप अपने लिए ट्रैकिंग स्टिक खरीद सकते हैं, जिनमें दो तरह की स्टिक्स आती है, एक 20 रुपए वाली एंड एक 40 रुपए वाली। जो 20 रुपए वाली स्टिक होती है वो फ्लैट होती है एंड जो 40 वाली होती है उसकी नोक लगी होती है नीचे। पर मैं यही सलाह दूंगा कि आप 20 रुपए वाली खरीदो, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे तो वो नोक भी घिस घिस के फ्लैट हो जाएगी एंड वो 40 रुपए वाली स्टिक 20 रुपए वाली बन जाएगी। तो स्टिक खरीदने के बाद आपकी यात्रा पुलना गांव से
शुरू हो जाएगी जो कि टोटल 9 किलोमीटर है, यानी पुलना गांव से गोविंद धाम जिसको कि गंगारिया भी कहते हैं वह 9 किलोमीटर दूरी पे है। एंड ये 9 किलोमीटर काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये ज्यादातर सीधी चढ़ाई है और चढ़ने में थकान होती है, पर मैं सलाह दूंगा कि आप धीरे धीरे बेबी स्टेप लेते हुए अपनी ट्रैकिंग को कम्प्लीट करें एंड इस यात्रा को आराम से पूरा करें। एंड आप चाहे तो घोड़े भी जा सकते हैं जो कि पुलना गांव से गोविंद धाम तक आपको लेकर जाएंगे। एंड एक पर्सन की घोड़सवारी का प्राइस है 4500 रुपीज, बट घोड़े पे रिस्क बहुत ज्यादा है गिरने का, तो आप सोच के फैसला लेना। एंड ऊपर जाते जाते कम से कम 7 घंटे का टाइम लग जाता है, तो इसलिए आप अपनी यात्रा जितनी जल्दी हो सके सुबह उठकर उतनी जल्दी शुरू करें। एंड यात्रा के दौरान आपको बहुत सारी खाने पीने वाली चीजों एंड मेडिसिन को भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि यात्रा के दौरान आपको जितनी भी शॉप्स मिलेंगी वहां पर सभी चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती है। जैसे कि पानी की बोतल का प्राइस है 50 रुपीज, आलू के परांठे का प्राइस है 80 रुपीज, मक्खन की छोटी सी टिक्की का प्राइस है 20 रुपीज, चिप्स के पैकेट का प्राइस है 40 रुपीज, फ्रूट चाट है 60 रुपीज, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक है 50 रुपीज, एंड 10 वाली चॉकलेट आपको 20 या फिर 30 रुपए में मिलेगी। मतलब हर चीज का प्राइस आपको डबल या फिर डबल से भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ तक बात करें पानी की, तो आपको रास्ते में टोटल 3 पानी वाले नल गोविंद धाम के रास्ते मिल जाएंगे एंड 2 हेमकुंड यात्रा के दौरान आपको मिल जाएंगे। एंड पानी थोड़ा वाइट होता है पहले बर्फ के कारण, तो घबराना मत, ये पानी बिल्कुल साफ है पीने के लिए 100%। एंड थोड़ी देर में ये पानी वाइट से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एंड आप यात्रा के दौरान अपने साथ कुछ मेडिसिन भी लेके जरूर चलना, जैसे कि विटामिन सी की चूसने वाली टैबलेट्स, इससे आपको सांस की तकलीफ कम होगी, ग्लूकोन डी पाउडर, डोलो या फिर पैरासिटामोल, मेंटोस या फिर कोई भी चूसने वाली कैंडीज, पार्ले जी या फिर टाइगर बिस्किट्स, क्योंकि फ्लेवरलेस बिस्किट्स काफी आसानी से खाए जा सकते हैं एंड इनमें ग्लूकोज भी काफी होता है, इनो या फिर गैसो फास्ट, चॉकलेट्स स्पेशली स्निकर्स क्योंकि इनमें काफी एनर्जी होती है, बीटेक्स एंड रेनकोट, ये सब लेके आपको जरूर चलना चाहिए क्योंकि ये सब बहुत हेल्प करता है। और अगर आपको जरूरत नहीं भी पड़ी तो रास्ते में किसी न किसी को आप हेल्प कर सकते हैं इन सब चीजों के साथ। एंड रास्ते में जाते वक्त राइट साइड में पवार ढाबा आता है, वहां जाके समोसा जरूर खाना क्योंकि ये समोसा बहुत ही ज्यादा टेस्टी है एंड ये अपनी घर की बनाई चटनी के साथ उसे सर्व करते हैं जो कि बहुत स्पाइसी होती है। एंड समोसे का प्राइस है 20 रुपीज। एंड अगर बात करें इस 9 किलोमीटर लंबे रास्ते की, तो ये रास्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत है एंड दोनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, एंड इस रास्ते को देख आपकी थकावट भी कम होती चली जाएगी। एंड मैं इस पूरी यात्रा के रास्ते को अपने दूसरे ब्लॉग में कवर करूंगा जो कि बहुत जल्द आने वाला है इसी चैनल पे। एंड काफी आगे जाने के बाद आपको एक फ्री मेडिकल कैंप भी मिलेगा जहां पे आपको फ्री मेडिसिन भी मिल सकती है आपकी प्रॉब्लम की अकॉर्डिंग, एंड इसी के साथ आपको फ्री मसाज भी मिलती है, तो अगर आप लोग चाहे वहां पर फ्री मसाज भी करवा सकते हैं। एंड फिर एक सुंदर सा पुल आता है एंड आप वहां पे खड़े होकर ठंडी हवा एंड सुंदर व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। एंड यही पुल आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर शिफ्ट करेगा जहां पर आपकी 3 किलोमीटर की यात्रा रह जाएगी। एंड इसके बाद आपको मिलेगा दोनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल रास्ता, एंड उसे क्रॉस करने के बाद पहुंच जाएंगे आप गोविंद धाम। एंड गोविंद धाम की सबसे बड़ी निशानी है ये हेलीपैड जो कि बहुत ही खुले एरिया में है एंड यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड एंड टेक ऑफ होता है और ये सिर्फ 5 मिनट में आपको गोविंद धाम तक पहुंचा देगा। एंड हेलीकॉप्टर से एक तरफ आने की कॉस्ट है 2975 रुपीज, वो भी सिर्फ एक साइड की एक पर्सन के लिए, और अगर आपके लगेज वेट उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हुआ तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा रुपए पर केजी पे करने होंगे उनकी कंडीशन के हिसाब से। एंड हेलीकॉप्टर के उड़ने का टाइम है 9 से 12 तक एंड फिर 2 बजे से 6 बजे तक, और अगर मौसम खराब हुआ तो टाइम आगे पीछे भी हो सकता है। एंड फिर हेलीपैड पे पहुंचते ही आपको कैंप्स मिलेंगे एंड आप उन कैंप्स में भी रह सकते हैं एंड एक कैंप की एक दिन की कॉस्ट है 2000 रुपीज, एंड ये हेलीपैड के सामने ही मौजूद है। एंड अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो आपको हेलीपैड से 1 किलोमीटर और ऊपर आना होगा जहां से गोविंद धाम एंड उसकी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। एंड यहां पे आपको बहुत बड़ी मार्केट देखने को मिलेगी जहां पे आपको खाने की चीजें, पहनने की चीजें एंड एक मेडिकल स्टोर भी मिल जाएगा एंड इसके साथ साथ काफी सारे होटल भी। एंड रूम की बात करें तो एक रूम का रेंट यहां पे 800 से लेके 2000 तक है, बट खाने का प्राइस यहां पे काफी हाई है। एंड फिर हम आते हैं हमारे गोविंद धाम के हेमकुंड ट्रस्ट गुरुद्वारे पे जहां पे हम माथा टेकते हैं एंड उसके बाद लंगर खा सकते हैं एंड यहाँ पे साफ पानी भी भर सकते हैं एंड यहाँ पे रहने के लिए रूम्स एंड हॉल्स अवेलेबल है। एंड इसके बाद अगले दिन आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं हेमकुंड साहिब जी गुरुद्वारे की ओर, जो कि 6 किलोमीटर का रास्ता है एंड ये 6 किलोमीटर बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर मन में हौसला एंड श्रद्धा लेके हर कोई वहां पर पहुंच ही जाता है। एंड आपको हेमकुंड यात्रा के ट्रैक की शुरुआत में ही घोड़े काफी सारे मिल जाएंगे, तो आप उन पे भी जा सकते हैं हेमकुंड साहिब की ओर। एंड हेमकुंड साहिब तक ले जाने की उनकी कॉस्ट 3500 रुपीज पर पर्सन, बट अगेन मैं यही कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, तो आप चल के ही अपनी यात्रा को सफल करें।
एंड याद रखना आप अपनी यात्रा को सुबह 5 बजे ही शुरू कर देना, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से संगत को नीचे भेजना स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी काफी होती है। तो अगर आप 2 बजे से लेट हो गए तो आपको दर्शन नहीं होंगे और आपको खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। एंड ये 6 किलोमीटर की यात्रा बहुत ज्यादा कठिन है एंड यही पे आपको अपने साथ लाई गई सभी मेडिसिन की जरूरत भी पड़ सकती है। और मेरी सलाह यह है कि आप आराम से अपनी यात्रा सुबह 5 बजे स्टार्ट करें और आराम से धीरे धीरे सांस लेते हुए रुक रुक कर जाएं। एंड यात्रा के आखिरी 2.5 किलोमीटर बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि आखिरी बचे 2.5 किलोमीटर पे आपको ऑक्सीजन की बहुत कमी महसूस हो सकती है। बट ये सब कुछ हर एक के साथ नहीं होता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से। बट अगर आप धीरे धीरे चले तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको सांस की प्रॉब्लम आती है तो आप अपने साथ मुश्कपुर की टिकिया लेके जा सकते हैं एंड उसे रुमाल में कवर करके सूंघ सकते हैं, जिससे आपको ऑक्सीजन बढ़िया मिलती रहेगी। और लगभग लास्ट में आकर आपको 2 रास्ते मिलेंगे और दोनों हेमकुंड साहिब जी तक लेकर जाते हैं। तो एक रास्ता है सीढ़ियों वाला एंड दूसरा रास्ता है सीधी चढ़ाई। तो सीढ़ियों वाला रास्ता थोड़ा शॉर्ट रास्ता है एंड आपको जल्दी गुरुद्वारे तक पहुंचा देगा, बट वहीं पे ये रास्ता बहुत ज्यादा थकाने वाला है, क्योंकि सीढ़ियां बहुत ऊंची हैं, लंबी हैं एंड वहां पर चढ़ते चढ़ते आपको बहुत ज्यादा थकान होगी एंड सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। बट वहीं पर अगर आप चढ़ाई वाला रास्ता चुनेंगे तो आपकी सांस कम फूलेगी और आप आराम से गुरुद्वारे तक पहुंच सकते हैं। तो मेरी राय में आपको चढ़ाई वाला रास्ता ही लेना चाहिए, क्योंकि मैंने भी चढ़ाई वाला रास्ता ही लिया था एंड मुझे भी आखिरी के 2.5 किलोमीटर पे ऑक्सीजन की काफी प्रॉब्लम आई थी। तो ऊपर पहुंचने के बाद मार्केट क्रॉस करते ही आपको 4-5 सीढ़ियां चढ़ के लंगर हॉल क्रॉस करके दर्शन होंगे हेमकुंड साहिब जी गुरुद्वारे के। और अंदर जाते ही जब आप दर्शन करेंगे दरबार साहिब के, तो आपकी सारी थकान खत्म हो जाएगी एंड आपका मन शांत हो जाएगा एंड आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। एंड आप जितनी जल्दी पहुंचेंगे आप उतने टाइम तक गुरबाणी वहां पर बैठकर सुन सकते हैं। और माथा टेकने के बाद आप लंगर हॉल में जाकर खिचड़ी खा सकते हैं एंड चाय पी सकते हैं, वो भी जितनी बार आप चाहें। एंड आपको लंगर हॉल में एंटर होने के लिए शूज़ उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप शूज़ पहन के ही लंगर हॉल के अंदर जाकर लंगर खा सकते हैं। एंड वहां पर अंदर प्रॉपर बैठने का अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया किया गया है और आप पवित्र सरोवर में स्नान करके अपने मन को शांत भी कर सकते हैं। पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, पर फिर भी सब लोग पूरी श्रद्धा के साथ सरोवर में डुबकियां लगाते हैं और लेडीज के लिए यहाँ अलग से कैबिन बनाया गया है स्नान करने के लिए। और इसके बाद 3 बजे तक सभी गुरुद्वारे के सेवक पूरी संगत को नीचे जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि 3 बजे से ज्यादा आप किसी भी कंडीशन में वहां नहीं रुक सकते, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए पूरी संगत को 3 बजे से पहले पहले ही वो नीचे भेज देते हैं और यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। सो जल्दी से जल्दी आपको नीचे पहुंचना चाहिए गोविंद धाम तक। और अगर आप किसी कारण लेट हो जाते हैं एंड नीचे नहीं पहुंच पाते तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स 5 बजे से ही ट्रैक पर राउंड मारने स्टार्ट कर देती है एंड आपको सेफली नीचे तक लेकर आती है। सो चिंता की कोई भी बात नहीं है। और अगर मेरी राय माने तो मैं ये कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड ट्रैक है एंड ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको हेमकुंड यात्रा करने के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस वीडियो से मिल गई होगी। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सच में अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि ऐसी ही ट्रैवलिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूं अपने चैनल पे। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मिलते हैं बहुत जल्द और कई ट्रैवलिंग वीडियो के साथ। सत श्री अकाल।